हेलो दोस्तों, आज हम इस गीजर की सर्विसिंग करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो वायरिंग के कनेक्शन किए हुए हैं, हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे थर्मोस्टेट लगे हुए दोनों, और हमारे इसके तार एलिमेंट पिल ये जॉइंट है दो जगह पे, और हम इसे पहले खोल के वायरिंग को बाहर निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें पूरा ये हमारा जम गया है, ये जिससे कि हमारा पानी बाहर बहुत ही कम निकल रहा था और इसके अंदर ये पूरा जम गया है पपड़ी, इसीलिए हमारा पानी अंदर चोक हो गया था। तो इसे हम साफ सफाई करेंगे और इसे फिर हमसे वापस फिट कर देंगे। और इस टैंक के अंदर भी काफ़ी गंदगी जमा हो गई है, इसे भी हम साफ़ कर लेंगे। ये इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी गंदगी इसके अंदर भरी पड़ी है, हम इसे पूरा साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, इसके अंदर सब गंदगी है, पूरी जम चुकी है, इसका पूरा इसके अंदर पपड़ी जम गया था। अभी दोस्तों, हमने इसको ऊपर से पूरा साफ़ कर दिया है, पर यहाँ पे इसके अंदर जो पाइप के अंदर जम गया है उसे भी हमें साफ़ करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो ये पाइप है, आउट गोइंग का पाइप, ये बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हमारा इनकमिंग का पाइप है, यू शेप में मुड़ा हुआ है, यहाँ पे गंदगी जम गई है जिससे हमारा पानी नहीं निकल रहा है। यहाँ पे एक पतला सा होल भी बना हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं हम कि इसके अंदर पूरा पपड़ी वाइट वाइट जम गया है, हमें इसे भी साफ़ करना होगा। दोस्तों, इसको साफ़ करने के लिए हमने इस तरह एक स्टील वायर को मोड़ के हमने यू शेप में बना रखा है, जिससे हम इस होल से डालकर दोनों तरफ के पाइप को पूरा साफ़ कर देंगे, जिससे हमारा ये पूरा साफ़ हो जाएगा। अब दोस्तों, इसे हम पानी से, इसे पानी का प्रेशर देके पूरा पाइप को साफ़ कर देंगे, तो हमारा पूरा पाइप एकदम साफ़ हो जाएगा। अब दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें थर्मोस्टेट को अंदर फिट करेंगे और इसके बाद हम कनेक्शन करेंगे। और साथ ही साथ हम इसका जो मेन वायर है, इस थर्मोस्टेट के इनकमिंग में हम जोड़ देंगे।
दोस्तों ये हमारा ब्लैक वायर, इस मेन वायर का न्यूट्रल वायर है, और इस न्यूट्रल वायर को जो ये हमारे इंडिकेटर के दोनों तार आपस में ज्वाइंट हैं, ये भी हमारा न्यूट्रल वायर रहेगा। तो इन दोनों न्यूट्रल को हम एक साथ करके हम एलिमेंट के एक पॉइंट पे हम टाइट कर देंगे। और दोस्तों जो हमारा दूसरा वायर है थर्मोस्टेट का जो आउटपुट है, ये हमारा फेस वायर होता है, और इसे हम एलिमेंट के दूसरे पॉइंट पे ज्वाइंट कर देंगे। दोस्तों इस तरह से हमारे कनेक्शन पूरा हो गया है और हम गीजर को पूरा पैक कर देंगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।